दोस्तों बिहार में विजय होटल के मटन की दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि उसके क्या कहने। आज हम लेकर आए हैं विजय होटल के एक और धमाकेदार मटन की मेकिंग, जो कि है कुकर वाला मटन, जिसे लोग यहाँ पर मटन स्टू भी कहते हैं। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और स्वाद ऐसा कि बार बार आपको इसकी याद आएगी। तो सुबह सुबह मटन की शुरुआत होती है दोस्तों भट्टी जलाने से, यानी कोयला जलाने से। और कोयला जलाने के बाद ऊपर से डाला जाता है थोड़ा सा बुझा हुआ कोयला, ताकि आँच को कंट्रोल किया जा सके। कुकर मटन बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मसालों को ना अच्छे से कढ़ाई के अंदर फ्राई किया जाता है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और अब डाला जा रहा है इसके अंदर सरसों का तेल। सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है दोस्तों ज़्यादातर जगह पे ना, आपको बिहार में ना कहीं भी रिफाइंड वगैरह नहीं यूज़ किया जाएगा, हमेशा जब भी मिलेगा आपको सरसों का तेल ही मिलेगा। तो वो डाला जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ मसाले जो हैं वो रेडी किए जा रहे हैं, जैसे कि तेज़पत्ता हो गया, लाल मिर्च होगी, ये सारी चीज़ें निकाल ली जा रही है, क्योंकि यही चीज़ें अभी तेल में डाल के अच्छे से छौंका जाएगा, है ना। ये देखिए ये भैया जो डंठल है उसकी निकाल रहे हैं और तकरीबन 6 किलो मटन जो है वो बनाया जा रहा है। ये गया दोस्तों गर्मा गर्म तेल में हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये सब फौरन जा रहा है, इसमें तेजपत्ता है, मिर्चाई है, गुलसी है, अब इसमें जा रहा है हल्दी। एक दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा ऐड किया जा रहा है पानी और अब इसको अच्छे से फ्राई किया जाएगा। दोस्तों हमारा जो प्याज है वो कुकर में डाला गया और जो हमारा मटन स्टू है ना वो कुकर में ही आज तैयार किया जाएगा। तो कितना किलो होगा भैया प्याज? 6 किलो। तो जो हमारे मसाले हैं दोस्तों देखिए उसको ना अच्छे से भुना जा रहा है, देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से इसको भुना जाएगा। और भुनते भुनते ना इसको अच्छे से पकाया जाएगा ताकि जो उसका स्वाद है ना बहुत बढ़िया है। और भुनने के बाद इसको कुकर में डाला जाएगा और प्याज के साथ पकाया जाएगा और मटन के साथ। और एक चीज़ है दोस्तों, इस मसाले को ना हमेशा चलाते रहना है, क्योंकि नीचे जो आँच है ना वो कोयले की है तो उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको चलाते रहना है वरना जो हमारा मसाला है वो जल जाएगा। तो उसका ध्यान ज़रूर रखा जाता है, हमेशा कंटिन्यूस इसको चलाते रहते हैं। मसाला रेडी हो गया, अभी इसमें जा रहा है। तो अब चढ़ाया जा रहा है कुकर को भट्टी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों प्याज और मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद हल्का सा पानी डाला गया और उसके बाद ना इसको अब बंद करके अच्छे से इसको पकाया जाएगा प्याज को। प्याज को एक सीटी लगाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मथा जाता है ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। और अभी देख सकते हो दोस्तों हमारा जो 6 किलो मटन है ना वो आ चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको साफ़ कर लिया गया है। हर तरीके के पीसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं और ये देख सकते हो यहाँ पे चुस्ता जो है वो भी लिया गया है, 2 चुस्ते लिए गए हैं। और चुस्ता जो है ना लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों बिहार में ना। तो इस मटन को अब डाला जा रहा है कुकर के अंदर और प्याज और मसालों के साथ इसको पकाया जाएगा। तो ये देखिए ये जा रहा है हमारा कुकर के अंदर और देख सकते हो साथ ही साथ इसमें चर्बी की मात्रा जो है ना वो भी ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि चर्बी वाला जो मटन है ना लोग बिहार में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। तो ये गया सारा का सारा आप कुकर के अंदर और देख सकते हो इसको ना लगभग आधे से 1 घंटा लगेगा अभी पकाने के लिए। तो पहले इसमें सारे मसालों के साथ डाल के इसको अच्छे से पकाया जाएगा, फिर इसको बाहर निकाला जाएगा और फिर फाइनल हमारा जो ये मटन है वो तैयार किया जाएगा। तो चुस्ता अभी रख देते हैं साइड में, क्योंकि चुस्ता जो है वो जल्दी पक जाता है तो इसको थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो पहले डाल लेते हैं सारे का सारा मटन और साथ ही साथ इसमें डाला जा रहा है दोस्तों नमक। नमक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है खाने में, तो नमक भी बिल्कुल नाप तौल के देख सकते हो किस तरीके से भैया ना बिल्कुल गिन के नमक जो है अपने हाथों से डाल रहे हैं। नमक है और अब ऊपर से डाला जा रहा है इसके अंदर चुस्ता। और चुस्ता के बारे में अगर दोस्तों आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो विजय होटल का एक और वीडियो मैंने बनाई है मटन की, तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया कि चुस्ता आखिर होता क्या है। एक चुस्ता 200, 250, 300 जैसा चुस्ता रहता है ना वैसा दाम रहता है, आधा काट के 160 रुपया के बेचते हैं। और बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है दोस्तों कुर्ता कलेजी, ये भी बड़ा मज़ेदार है, इसकी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अब देखिए कुकर को अच्छे से बंद करके इसको लगाई जाएगी सीटी। जी हाँ दोस्तों 5 से 6 सीटियाँ लगाने के बाद हमारा जो मटन है तैयार होगा। देखिए सीटी लगा ली जा रही है और उसके बाद इसको उतारा जाएगा। डन हो गया? हाँ उतर गया है। फाइनली दोस्तों हमारा कुकर वाला मीट जो है वो रेडी हो गया है। 15 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए ऐसे ही, मतलब अंदर ही अंदर। और अब जो इसका ढक्कन है वो खोला जा रहा है, देख रहे हो कितना प्रेशर अभी भी इसके अंदर है और इसी प्रेशर में जो हमारा मटन है ना वो पक चुका है। तो बस
जैसे ही सीटी हमारी बंद होती है उसके बाद इसको खोला जाएगा और बाहर निकाला जाएगा। ओए होए होए, वाह जी वाह दोस्तों, ये देखिए हमारा जो मटन है क्या बढ़िया तरीके से बॉयल हो रखा है, मतलब पक रखा है। अब इसको ना अच्छे से चलाने के बाद निकाला जाएगा दूसरे बर्तन में और फाइनल प्रिपरेशन जो है हमारी वो दूसरे बर्तन में की जाएगी। तो देख सकते हो मटन के पीसेस क्या बढ़िया तरीके से घुलने लगे हैं, गलने लगे हैं बेसिकली, और बिल्कुल ही मज़ेदार वाला जो हमारा मटन है ना वो लग रहा है देखने में, मगर फाइनल अभी प्रिपेयर करना बाकी है। तो ये निकाल लिया जा रहा है दोस्तों दूसरे पतीले के अंदर और इसी में जो फाइनल प्रिपरेशन होगी इसमें गरम मसाला वगैरह डाला जाएगा और हमारा मटन जो है वो फाइनली तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी कुकर से ना इसको पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया गया और फाइनली इसको थोड़ा सा हल्का सा ना इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी की जाएगी और हमारा जो मटन है बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा चुस्ता दिखाइए भैया जरा एक बार उठा के, ये देखिए दोस्तों फेवरेट है बिहार में सबका फेवरेट चुस्ता, ये देखिए क्या बात है गर्मा गर्म बहुत बढ़िया। और ये आ गया दोस्तों ऊपर से गर्म मसाला। अब मटन वगैरह में ना जब ऊपर से गरम मसाला डाल दिया जाना है तो समझिए कि आपकी जो रेसिपी है ना वो पूरी हो चुकी है। तो इसकी जो खुशबू होती है ना बड़ी मज़ेदार होती है दोस्तों, पूरे स्पाइसेस में मिलाए गए होते हैं और खुशबूदार जो है ना वो मटन को पूरा कर देता है। और यहाँ पे मटन को इतना पसंद किया जाता है कि लोग ना यहाँ पे बनते बनते मटन ना आने शुरू हो जाते हैं। और देखिए अभी अभी हमारा मटन बना है और देखिए ये निकालने भी लगे हैं किसी के लिए, देखिए कस्टमर आ चुके हैं, अब उनके लिए जो हमारी प्लेट है वो लगा दी गई है। तो मटन निकाल लिया गया है और राइस जो है वो प्लेट में डाल दिया गया है और इसको अब सर्व किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों आपको ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि है ये पैकेट। जी हाँ दोस्तों ये है चंपारण अहुना मटन का सीक्रेट स्पाइसेस। जी हाँ दोस्तों ये कहूँगा मैं सीक्रेट स्पाइसेस, जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो इससे आने वाला है। और ये ना आप अगर घर में बना रहे हैं तो मात्र 20 ग्राम में ना आपको 1 kg मटन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कमर्शियल किचन रन करते हैं जहाँ पे आप अहुना मटन खिलाते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कस्टमर को कंसिस्टेंसी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये पैकेट यूज़ करके ना यानी कि ये मसाला यूज़ करके आप लोगों को ना एक ही जैसा स्वाद हर बार दे सकते हैं। अब आपको मंगवाने के लिए क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करनी है या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है उसको विजिट करिए, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इजीली और अपने कस्टमर्स को या फिर घर में आराम से ये मटन जो है बना के खा सकते हैं। और जब मटन बन ही चुका है, खुशबू इतनी अच्छी आ ही रही है, तो दोस्तों भूख तो मेरे को भी लग गई है, भाई मैं क्यों वेट करूँ है ना। तो बस अपनी प्लेट भी लगवाते हैं। तो ये देखिए कटोरी हमने लगवा ली है, अब इसमें डाला जा रहा है मटन का पीस। ये देखिए बढ़िया बढ़िया पीसेस जो है भैया ढूंढ के निकालेंगे अभी और इसके अंदर डालेंगे। वाह जी वाह, ये आ गया दोस्तों नली का पीस, क्या बात है। और खुशबू इतनी मज़ेदार है ना दोस्तों, गर्म मसाला जो ऊपर से डाला था ना बड़ा ही मज़ेदार है दोस्तों, उसकी खुशबू अमेजिंग। तो ये आ गया हमारे 2 पीसेस और ग्रेवी, और जो चावल वगैरह है वो थोड़े से ही लगवाएंगे, ज़्यादा नहीं लगवाएंगे क्योंकि थोड़ा खा के देखेंगे ना किस तरीके का इसका स्वाद है ना। तो ये लग रही है हमारे चावल की प्लेट और साथ ही साथ यहाँ पे ना ये चावल के साथ सैलेड सर्व करते हैं। आप रोटी भी ले सकते हैं अगर रोटी लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन दोनों होती है, चावल लेना चाहे चावल ले लीजिए, रोटी लेना चाहते हैं रोटी ले लीजिए, और काफ़ी बढ़िया। तो थोड़े से चावल लेते हैं और ये आ गया हमारा मटन। तो लो जी दोस्तों ये लग गई हमारी मटन स्टू की प्लेट, आप देख सकते हैं क्या बढ़िया तरीके से भैया ने मटन डाला इसके अंदर, गर्मा गर्म धुएं छोड़ता हुआ। चावल ना मैंने थोड़े ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए, वैसे तो प्लेट में ये हाफ भी नहीं है, मैंने बोला था थोड़ा कम करने को। तो इसको निकालते हैं बाहर। सबसे पहले ना मेरा मन कर रहा है ये दिखाऊँ आपको मटन का पीस। ओहो ये देखो गर्मा गर्म मटन, वाह जी। यहाँ पे रखते हैं एक पीस और, 2 पीस है और 2 पीस का क्या है भैया रेट? 150 रुपये। गर्मा गर्म है, आ जा भाई तू क्यों इधर उधर जा रहा है। हाँ नली वाला पीस ये देखो है ना बढ़िया है, मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ ज़रा। थोड़ा सा जूस डालते हैं ग्रेवी, हाँ ग्रेवी भी जो है ना काफ़ी बढ़िया है, कुकर के अंदर बनाई गई थी तो गाढ़ी हो चुकी है अभी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ना आपको मटन का पीस चेक कराता हूँ क्या बढ़िया तरीके। ओए होए होए होए, देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से हमारा जो मटन है वो गल गया है, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, और ये भी दिखाता हूँ। हाँ देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से गला हुआ है। तो फिलहाल क्या करते हैं थोड़ा सा ना यहाँ ग्रेवी डालते हैं इसके ऊपर भी, और यहाँ तो हमने ले ही लिया, अब बनाते हैं एक पाइट गर्मा गर्म चावल और ग्रेवी, और ये आ गया हमारे पास मटन का पीस। वाह आइए, बिल्कुल बढ़िया मसालेदार
मज़ेदार, हल्का सा इसमें ना, वैसे तो देखिए प्याज को इसमें गलाया गया था कुकर में डाल के, तो मगर इसके जो जो घोल बनाया था ना बाद में उसको मथा गया था हल्का सा प्याज को, अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है। और ना ये मीठी नहीं लग रही, खास बात क्या है, मीठी नहीं लग रही क्योंकि देखो प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया गया था, फिर भी ये मीठी नहीं लग रही, मसालेदार लग रही है, मज़ेदार। आओ जी मटन, वाह, और हल्का सा स्पाइसी है, तीखा है, क्योंकि मिर्च जो डाली गई थी ना वो भर भर के डाली गई थी, और बिहार में ना लोग तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं, चटपटा और तीखा बहुत अच्छा लगता है लोगों को। हाँ जी, थोड़ी सी चटनी और सैलड, मज़ा आ गया। आप भी कभी पटना आते हैं या पटना से ही देख रहे हैं या आसपास से कहीं देख रहे हैं, यहाँ आना चाहते हैं इस दुकान पे, तो कैसे आना है आपको, यहाँ गांधी मैदान के पास ना कारगिल चौक पड़ता है, वहाँ पे अंटा घाट सब्जी मार्केट है, उसके अंदर आइएगा तो आपके नाला के पास, हाँ नाला पूछ लीजिएगा, फेमस है वैसे तो नाला भी। देखा भैया अभी लगे हैं, भैया क्या क्या खाए आज? मीट खाए ना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल, टनाटन हो जाता है भैया का, भैया का क्या सबका ही टनाटन हो जाता है, तीखा होता है ना हल्का। 35-40 साल से हम खाना खा रहे हैं। 35-40 साल हो गया जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए पीछे इनके अलावा खाना कहीं तो मिल भी नहीं सकता। अच्छा, दादाजी के साथ आके खाते थे जब छोटा थे, तब ऐसा कि सब छुट्टी में जो गया सही बात है, अभी तो 11 ही बजा है, खाने का जब टाइम होगा पूरा 1 बजे देखिएगा आप। चलिए देखिए, देखो यहाँ लोगों को ना खाने का इतना क्रेज है, मतलब इतना लोग पसंद करते हैं ना कि देखिए जो भी आ रहा है ना वो यही बोल रहा है। हाँ, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि लंच टाइम होने लगेगा। हम तो अगर सुबह ही आ गए थे वीडियो शूट करनी, तो सुबह से बैठे हुए हम तो यहाँ पे, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे लंच टाइम होता है ना लोग यहाँ पे भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं, और लोगों को ना मज़ा भी बड़ा आता है, जैसे बोल रहे हैं रिव्यू दे रहे हैं, टनाटन हो जाता है मिजाज। क्यों? क्योंकि हल्का सा तीखा होता है, चटपटा होता है, मसालेदार होता है, तो सही में मिजाज टनाटन हो जाता है। वाह, अब आइए नलिया वाला पीस देखते हैं, ये देखो, देख रहे हो कितना सॉफ्ट, वाह। मजा आ गया भाई, वाह खाली, बहुत बढ़िया, स्पाइसी तो है नो डाउट, और चटपटा खाने में जो मज़ा है ना वो अलग बात है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अंटा घाट आइएगा, विजय होटल के नाम से भैया की दुकान है, बड़ी फेमस है, काफ़ी पुरानी, 30-35 साल तो लोगों को आते हो गए यहाँ खाते हुए, अभी भी आ रहे हैं रेगुलर, है ना। और जैसे कि मैं भी पिछले साल आया था तो यहाँ पे खाया ज़रूर था, वाली वीडियो ने देखी तो वो भी देखिए, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। तो चलिए, अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।